केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बेटी की शादी चर्चा में है। चार दिसंबर 2016 को नागपुर में गडकरी के घर बजी थी शहनाई, जिसकी गूंज अब फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक सुनाई दे रही है। गडकरी की बेटी की शादी को शाही बताया जा रहा है। दावा तो यह भी है कि गडकरी की बेटी की शादी में 50 चार्टर्ड प्लेन, जी हां 50 चार्टर्ड प्लेन नागपुर पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई 4 दिसंबर की शादी के लिए नागपुर में 50 चार्टर्ड प्लेन ने लैंडिंग की थी? नोटबंदी के माहौल में मंत्री के बेटी की शादी और शादी को लेकर किए जाने वाले दावों की वजह से ये खबर सुर्खियों में है। कुछ लोग इस खबर का सच जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सच जाने बगैर ही नतीजे पर पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल करनी शुरू की तो हमें सबसे पहले एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार की खबर मिली, जिसमें लिखा था कि गडकरी की बेटी की शादी के लिए 50 चार्टर्ड प्लेन नागपुर पहुंचेंगे। हमने खबर के बारे में थोड़ी और तहकीकात की तो हमें एक और ट्वीट मिला। ये ट्वीट न्यूज एजेंसी एनआई का था, जिसमें गडकरी के दफ्तर के हवाले से इस दावे को खारिज किया गया था कि 50 चार्टर्ड प्लेन नागपुर पहुंचेंगे। ये दोनों ट्वीट 4 दिसंबर की शादी से पहले के थे, इसलिए सवाल ये है कि नागपुर 50 चार्टर्ड प्लेन पहुंचे या नहीं पहुंचे, और पहुंचे तो कितने पहुंचे। हमारी पड़ताल में साफ हुआ कि नितिन गडकरी की बेटी की शादी में 50 नहीं बल्कि सिर्फ 11 प्लेन से मेहमान शादी में पहुंचे थे। ये जानकारी एबीपी न्यूज आपको सिविल एविएशन सूत्रों के हवाले से दे रहा है। इसलिए गडकरी की बेटी की शादी में 50 चार्टर्ड प्लेन से मेहमानों के नागपुर पहुंचने का वायरल मैसेज झूठा साबित होता है।